अभी लोहिया चढ़ाए हैं, इसमें कुछ पानी का अंश था, सब साफ़ हो जाएगा। इसके बाद बनाएंगे अगला स्टेप। अब तेल डालेंगे इसमें, थोड़ा पनीर को भूजेंगे हम लोग, इसीलिए तेल डाले हैं। अब पनीर डाल रहे हैं, इसको हल्का हम लोग भूजेंगे लाल होने तक, ठीक है। इसको बीच बीच में क्या करना है, इसको लाना है, जिससे क्या होगा पनीर सटेगा नहीं। देखिए अब लाल होने लगा है, हुआ है ना लाल, देखिए आप लोग खुद देखिए, है ना लाल। हाँ, अब इसको निकालेंगे, बस एक मिनट, एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा जीरा डाले हैं, इसके बाद मिर्च डालेंगे, अगर लहसुन है तो वो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है गांव में। इसके बाद प्याज डालेंगे, इसको हम लाएंगे ऐसे ऐसे, यानी इसको हम हिलाएंगे ऊपर नीचे, जिससे क्या होगा 3 से 4 मिनट तक, जिससे लाल हो जाए प्याज, क्या हो जाए लाल भुगा टाइप का हो जाए। तब इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा नमक डाल देंगे, अपने स्वादानुसार डालना है, जिससे प्याज गल जाए, और उसके बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मटर लेंगे, ठीक है, इसमें 3-4 मिनट प्याज के बाद मटर डाल देना है, इसको भी भूनना है 2-3 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा पक नहीं जाए, ठीक है, इसको 3-4 मिनट तक भूनना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के हम डालेंगे, मेरे पास बना बनाया हुआ है, आप देखिए, अब धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा। इसको हम बीच बीच में ऐसे करते रहेंगे, जिससे कि ये जलेगा नहीं मटर और प्याज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह पेस्ट है, बना बनाया हुआ है, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, आदि और लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे, बस हो गया। इसके बाद इसको मिला देंगे, इसके बाद इसमें हम डालेंगे क्या, ये है धनिया, धनिया का बुकनी है, ये हम डाल देंगे 1 चम्मच, हो गया। लाल मिर्च स्वादानुसार डाल दीजिएगा, कम ही डालिएगा। टमाटर डाल देंगे, ठीक है, देखिए टमाटर है, ये टमाटर बारीक कटा हुआ टमाटर, ये भी डाल देंगे, इससे थोड़ा देर भूनने देंगे। ये देख लीजिए मटर पनीर मसाला है, ठीक है, आप इसको भी डाल सकते हैं, थोड़ा डाल दीजिए, टेस्ट बढ़ जाएगा। मटर पनीर मसाला मार्केट में बिकता है, ले लीजिएगा। इसके बाद इसको जो बनाए थे आज आप लोग के लिए बना रहे हैं, हमारे बेस्ट सब्सक्राइबर जो नहीं भी है, इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद इसको भी मसाला के साथ, हाँ नमक हम पहले ही डाल चुके थे, अगर डालना होगा तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चीज़ें डाल दिए थे, तब कुछ नमक और डाल देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा स्वादानुसार आपने। उसके बाद सबको एक बार ऐसे ही चला लेंगे, बिहारी लैंग्वेज में इसको ला लेना है ऊपर नीचे मजे से। आप लोग के लिए हम बना रहे हैं, आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मटर पनीर का, तो आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा। अब पानी डालेंगे अपने स्वादानुसार, देख लीजिए जैसा खाना हो आपका वैसा इसमें डालना है। अभी तो हम लोग कम डाले हैं, देखते हैं कैसा है। ढीला खाना, ढीला मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेवी वाला खाना है तो पानी कम डालेंगे, अगर नहीं पानी वाला खाना है, कुछ पानी अलग हो तो पानी ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है। अब पानी डाल दिए हैं, ठीक है, अब देखिए हम लोग इसी टाइप का खाते हैं, क्योंकि चावल दाल बनाए हैं आप लोग के लिए, ये मटर पनीर का सब्ज़ी, तो पानी का मात्रा ठीक है, आप इसको खदकने देते हैं, उबलने देते हैं। अब इसके बाद हम इसको ढक देते हैं थाली से 5 मिनट तक, जिससे कि ये सीज जाएगा। ढक्कन नहीं, मेरे पास थाली था, देखिए अब हो ही गया है, इसको बस देख रहे हैं कि चेक कर लेते कैसा है।
अब लास्ट प्रोसेस है, देखिए कितना टेस्टी बन रहा है आप लोग के लिए। गांव में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं तो इसीलिए अब इसमें ऊपर से हम धनिया पत्ता भी डाल देंगे। थोड़ा देर बाद थोड़ा और बनने देते हैं। अब इसमें लास्ट में हम लोग थोड़ा गर्म मसाला डाल देते हैं, ऐसा होता है गर्म मसाला मार्केट में बिकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें धनिया का पत्ता, देखिए यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए धनिया पत्ता अपना देसी गांव का, ठीक है। थोड़ा घी भी डाल देंगे, अगर जो खाना चाहते हैं तो वो भी डाल देंगे, नहीं खाना चाहते तो मत डालिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको जो है देखो, इसके बाद इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे। आप ही बताइए कितना टेस्टी बना है, देखिए आप खुद देखिए लाजवाब, जैसे लगता है होटल में खाते होंगे। देखिए ढाबा पे